पंजाब में नेता, राजनेता और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री लगातार गैंगस्टरों के निशाने पर बनी हुई है। आए दिन किसी न किसी को गैंगस्टरों की तरफ से जान से मारने की धमकी मिल रही है। 2022 में सिद्धू मूसेवाला को जब से गोल्डी बरार के गुर्गों ने हत्या की है, तब से गैंगस्टरों के खौफ में पंजाब के लोग जी रहे हैं। अब इसी बीच पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता चरणजीत सिंह चन्नी को सिद्धू मूसेवाला की तरह जान से मारने की धमकी मिली है, और ये धमकी किसी और ने नहीं बल्कि गैंगस्टर गोल्डी बरार के गुर्गों ने दी है। क्या है पूरा मामला, इसी के बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मंटू और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पंजाब में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चरणजीत सिंह चन्नी को जान से मारने की धमकी मिली है। दरअसल इस बात की जानकारी खुद चन्नी ने मोरिंडा में आयोजित एक जनसभा में दी, जहां उन्होंने बताया कि गैंगस्टर गोल्डी बरार की गैंग से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। ये रकम ना देने पर उन्हें सिद्धू मूसेवाला के जैसे जान से मार दिया जाएगा। व्हाट्सएप कॉल से दी धमकी। पूर्व सीएम चन्नी के अनुसार एक विदेशी नंबर से उन्हें व्हाट्सएप पर धमकी भरे कॉल और मैसेज आए, जिसमें कहा गया कि 1 या 2 दिन में रंगदारी नहीं दी गई तो मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जहां धमकी देने वाले ने खुद बताया कि वो कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बरार के गिरोह का मेंबर है, जिसके बाद चन्नी ने पंजाब के डीजीपी गौरव यादव को धमकी की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने धमकी से जुड़े मैसेज और नंबर के स्क्रीनशॉट रूपनगर के डीआईजी को भी भेजा। उन्होंने बताया कि ऐसी धमकी एक बार नहीं बल्कि कई बार उन्हें दी जा चुकी है। पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। चन्नी ने इस मामले में पंजाब पुलिस पर कार्रवाई ना करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने 1 हफ्ते पहले ही पुलिस में मामले को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। यही नहीं, उन्होंने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जब राज्य का पूर्व सीएम ही सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिकों की सुरक्षा कैसे होगी। बता दें कि पिछले कुछ समय से पंजाब में आपराधिक मामलों की संख्या बढ़ गई है और गैंगस्टरों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि वो बड़े बड़े सिंगर, बिजनेसमैन जैसे लोगों से फिरौती की मांग कर रहे हैं। अगर फिरौती नहीं दी जा रही तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। वही पूर्व सीएम चरणजीत सिंह ने धमकी के मामले में प्रशासन से गुहार लगाई है कि मामले की कार्यवाही की जाए और अपराधियों को से जल्द पकड़ा जाए। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। तेज दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म।